티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 블로그 है सैटरडे का और थोड़ा सा ये ब्लॉग में लेट हो गया है. संडे भी बीत गया, मंडे भी बीत गया, तो आज है ट्यूसडे. तो आप सभी को हैप्पी ट्यूसडे. तो यहाँ पे मैं ना चाय पत्ती को मिक्स कर रही हूँ. तो ये जो ग्रीन वाला पैकेट देख रहे हैं ना, ये हम लोग को राशन में मिलता है, आर्मी में मतलब राशन मिलता है ना महीने में, तो उसी का ये चाय पत्ती था. तो मैं मिक्स कर लेती हूँ, कोई रेड लेबल या ताजमहल जो चाय पत्ती है तो इसी में मिक्स करके और फिर हम लोग पीते हैं. उसका टेस्ट थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आर्मी के मेस में तो वही मिलता है तो सभी लोग पीते हैं. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्स करके और फिर रख लेती हूँ. तो अभी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी मेरे पास कुछ काम है तो दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ. सो गाइस, यहाँ पे मैंने गैस पे रखा है कढ़ाई और सबसे पहले मैं धनिया पाउडर बनाऊंगी. तो ज़रूरी नहीं है ना कि धनिया को रोस्ट करके और फिर उसका पाउडर बनाए. अभी मॉनसून का सीज़न है इसीलिए थोड़ा सा ये जो धनिया है ना अजीब सा एकदम मतलब सौगी हो गए हैं. हम लोग अपने भाषा में मेहरा गए हैं कब बोलते हैं, तो वही है. तो ये जल्दी से मिक्सी में पीसेंगे नहीं, मुझे कई बार चलाने पड़ेंगे मिक्सी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर देती हूँ. तो यहाँ पे ये चाय पत्ती को मैं पहले टेप से सील कर देती हूँ और फिर मैं इसको रोस्ट करके और ठंडा करके तब मैं पीसूँगी. और मैं आपको दिखाऊँगी ना कि गरम मसाला मैं कैसे बनाती हूँ. तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गरम मसाला बनाती हूँ, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे. तो यहाँ पे मैंने अपने मसाले का पिटारा खोल लिया है और यहाँ पे इसी में ना मैं रखती हूँ हर चीज़, मतलब जैसे सेंधा नमक, काला नमक, जो भी नमक है मेरे पास, और ये अजवाइन है, कलौंजी है, जो भी मेरे पास है ना, बड़ी इलायची, पॉपी सीड्स, जो भी है सब मैं इसमें भर भर के रखती हूँ. मतलब अलग अलग फिर डिब्बा मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, ऐसे पाउच में ही ये सब रहते हैं. तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं ले लेती हूँ अभी जितनी मुझे ज़रूरत है. जीरा डाला है और गरम मसाले ना बनाने से पहले तो इनको रोस्ट करना ही होता है. तो जीरा की क्वांटिटी मैं हर बार ही ज़्यादा रखती हूँ और इसीलिए मैं गरम मसाला घर में ही बनाती हूँ ना, कि उनके मसालों में मुझे लगता है कि ये जो सोंठ होना होता है ना, जो अदरक होते हैं सूखे हुए, ये ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैं घर में ही अपना गरम मसाला बना लेती हूँ. तो ये रोस्ट हो गए हैं तो ठंडा करके मैं पीस लूँगी. और यहाँ पे धनिया पाउडर भी मैंने बना दिए. तो मैं कई बार इसको छानती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ. तो आप लोग चाहे ना तो छान लें और ठंडा करें, फिर इसको डिब्बा में रखें. किचन का काम ख़त्म होने के बाद ना मैं सीधा आ गई हूँ कमरे में. और कई दिन से मेरा प्लान था ना कि मैं इंस्टाग्राम के लिए मतलब एक रील बनाऊंगी, और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ ना कि इंस्टाग्राम पे मैं हूँ. तो वहाँ पे मतलब मैं बिहारी यूट्यूबर के नाम से ही मैं अपना अकाउंट बनाई हूँ. तो वहाँ पर अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं ना तो आ सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर डेली वीडियो या कुछ डालती नहीं हूँ. काफ़ी टाइम पे मतलब मैं डालती हूँ, लेकिन वहाँ भी 1500 मेरे फॉलोअर्स हैं. तो आप लोग भी वहाँ आ सकते हैं. तो ये ड्रेस मैंने एक दिन मिंत्रा से मंगाई थी, ये देख लीजिए, और बहुत ही हेवी ड्रेस है ये. तो इसका तो टाइम निकल चुका है, अभी रिटर्न नहीं हो सकता. तो अभी मैं नहीं करूँगी इसको रिटर्न. और यदि आप लोग एक्सेल साइज पहनते हैं ना तो लार्ज ले लीजिए,
और यदि लार्ज पहनते हैं तो स्मॉल लीजिए, ये बहुत ही हेवी ड्रेस है। और बेल्ट के साथ जब मैंने इसको पेयर किया तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा कि ये मेरे पे ड्रेस कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और दुपट्टे के साथ तो बहुत ही जम रहा था ये। तो अभी मैं उसके लिए एक रील शूट करूँगी। तो ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है, मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों से। ये देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा, और मैंने इसको अभी तक वॉश नहीं किया है, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और काफ़ी हेवी है, मतलब मुझे लगता है ना कि 5 मीटर से ऊपर कपड़ा इसमें लगा है इनका, इसीलिए ये थोड़ा सा महंगा ड्रेस है। कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये बेल्ट के साथ पहन। सो गई, आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि मैं इतनी हेवी ड्रेसेस कैसे पहन लेती हूँ। कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते रहते हैं कि आपके पास खाली हेवी ड्रेसेस ही है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ ना कि मेरी बॉडी टाइप ही ऐसी है कि मैं इसी ड्रेस का सहारा ली हूँ। तो देख लीजिए, ये ड्रेस भी कोई कम नहीं लगता पटियाला या टी शर्ट या पैंट से। तो यहाँ पर ये दुपट्टे के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने ब्लैक और ग्रीन के साथ, दोनों के साथ पहन के देखा, अच्छा लग रहा था। तो मैंने ब्लैक के साथ ही रील बनाई थी इंस्टाग्राम के लिए। और इसका ब्रांड है AKS। तो उसी दिन वैक्सीनेशन के लिए मैं गई थी, तो ये वाला ड्रेस भी वही उसी ब्रांड का है। तो आप लोग ऐसे ही सर्च मार के और ले सकते हैं मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से। तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं दोनों पे। तो आज वैक्सीनेशन का काम भी मेरा पूरा हो गया। तो हम लोग चले गए थे कॉम्प्लेक्स, और वहाँ से हम लोग मैंगो लेके आए थे। और हम लोग इसको 3-4 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं, उसके बाद इसको ड्राई करेंगे और फिर इसको फ्रीज में रखेंगे। तो थोड़ा सा मैंने मक्का भी वहाँ से ले लिए थे। सो गई, आजकल तो मौसम को बदलते बस देर नहीं लग रही है। देख लीजिए, 3 तरह के मौसम तो दिन भर में होते ही होते हैं। तो यहाँ बारिश भी थोड़ी थोड़ी हुई थी। तो इवनिंग का टाइम है और बज गए हैं कम से कम 5:30 बजे हैं। तो आज स्नैक्स में मैं सोची थी कि ढोकला ही बनाऊंगी, कितना दिन हो गया था ढोकला खाए हुए। तो कई बार मैं ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से आज मैं कर देती हूँ ये रेसिपी आपके साथ शेयर। बहुत ही वो नीचे जा चुका है वीडियो, तो काफ़ी लोग देख नहीं पाते होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रही थी, मतलब ढोकला बना रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना के और इसको भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है और 4 से 5 चम्मच के करीब सूजी लिया है। बहुत सारे लोग ना आधा सूजी और आधा बेसन से बनाते हैं, लेकिन ना वो ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। मैं थोड़ा कम सूजी डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच, मतलब नमक इतना डालिए कि इसमें थोड़ा थोड़ा पता चले, और चीनी भी डालिए। तो चीनी मैं आधा चम्मच डाली हूँ, और अदरक को ग्रेट करके मैं डाल दी हूँ। और कलर के लिए यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ। और सबको ड्राई ही मिक्स कर लीजिए पहले अच्छी तरह से। आपके पास पाउडर शुगर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो इसको ना पानी से ऐसे घोल लीजिए, और ऐसे घोलिए ना, मतलब एक ही साइड में, आप देख लीजिए मैं एक ही साइड में इसको घोल रही हूँ, मतलब दोनों साइड में ऐसे घुमाना नहीं है इसको, तो नहीं तो ढोकला आपके फूलेंगे नहीं फिर। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल डाल दिया है, सरसों तेल यहाँ पे नहीं डालना है आपको, नहीं तो टेस्ट पूरे बिगाड़ सकते हैं ढोकला के। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए खूब अच्छे से, एक ही साइड में आपको इसको मिक्स करना है, कोई भी इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी देर के लिए ना, मतलब आधा घंटा रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको ढक के और रख देंगे साइड में। और जब तक उधर बैटर रेस्ट हो रहा है ना, तब तक इधर स्टीमर रेडी कर लेते हैं। और पहले से ही आपको स्टीमर रखना है गैस पे। तो यहाँ पे मैंने आधी कढ़ाई पानी रखा है गैस पे, और ऊपर से रख दिया है एक प्लेट, और आज मैं ये बेकिंग प्लेट में बनाने वाली हूँ। तो आधे घंटे हो गए हैं, और उधर मैं गैस पर रखी हूँ पानी, और अभी मैं ये देख लीजिए बैटर रेस्ट हो कर लिया है आधा घंटा। तो अभी मैं इसमें कुछ और भी डालूंगी। तो यहाँ पे आधी लेमन जूस मैंने डाल दिया है, और सीड्स को निकाल दें और अच्छी तरह से यहीं पे मिक्स कर लें थोड़ा पानी डाल के। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इनो है, तो यहाँ पे मतलब आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डालना है। तो देख लीजिए 2 बार में करके, मतलब 1.25 चम्मच के करीब ये डाला है। जब आप पाउच खरीदते हैं ना, तो 1 पाउच ज़रूर से डालिए इसमें। और ये मीठा सोडा आपको डालना है, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी क्वांटिटी में मीठा सोडा भी डाल लीजिए, मतलब 2 से 3 पिंच के करीब डाल लीजिए।
और ऊपर से पानी छिड़क लीजिए या मीठा सोडा और इनो के ऊपर, और तब इसको मिक्स कीजिए इसमें। और बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो मीठा सोडा नहीं डालिए, मतलब इनो नहीं डालिए इसमें। तो फटाफट से ना इसको तेल से मैंने ग्रीस कर दिया है, बेकिंग प्लेट को पहले से ही ग्रीस करके रखी है। जैसे ही इनो डालते हैं ना, तो देर नहीं करिए, एकदम जल्दी से बर्तन में रख दीजिए स्टीम होने के लिए। और ऊपर से चिली फ्लेक्स ना स्प्रिंकल कर दीजिए, या कोई रेड चिली पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने आज बनाया है। तो एकदम हाई फ्लेम पर मतलब 40 मिनट तक के लिए इसको स्टीम करें, और देखें कि आपका कितना मतलब इसमें बैटर है, उसी के अनुसार आपको पकाना है। कम होगा ना लेवल में, जैसे कम डालते हैं तो 20 से 25 मिनट में हो जाता है, नहीं तो फिर 40 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो मैंने 40 मिनट के लिए यहाँ पे स्टीम होने के लिए रखा था, तो नहीं हुआ था, तो फिर से मैंने दोबारा से इसको रखा 10 मिनट के लिए, तब अच्छे से ये हो गया था। और बेसन है तो जल्दबाजी नहीं करें, और आप चाहें ना तो थोड़ी सी अजवाइन डालें, क्योंकि बच्चों को फिर बेसन पचेगा नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया है, तो मैं अभी निकाल लेती हूँ, और फटाफट से इसका यहाँ पे मैं तड़का रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रखा है तड़का पैन, और इसमें मैंने डाला है सरसों। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सरसों के साथ मैंने कुछ और भी डाला है, तो ये मसालदानी में था ना, तो कुछ कुछ आ ही गया है, जैसे कि जीरा वगैरह। तो यहाँ पर मैंने तिल डाला है, और डाला है मैंने थोड़ी सी चीनी, और नमक डाला है, और पीसी चीनी है ये, और हरी मिर्ची स्लिट करके डाला है, करी पत्ते डाल दिए हैं मैंने, और सरसों को थोड़ा चटकाएं नहीं तो कड़वी फिर टेस्ट आएगी। और मैंने पानी डाल दिया है, और थोड़ी देर के लिए ना उसको सिरप होने देंगे हम, और फिर इसको तब तक कट कर लेते हैं यहाँ पर, और कट करके ही ऊपर से डालें इसमें सिरप। तो आप अपने मनपसंद कोई भी शेप में डाल सकते हैं, और देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे बने थे। और ऊपर से मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दिया है, और आपके पास फ्रेश करी लीव्स है ना तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया अभी रेडी, और बस बारी है यहाँ पे नारियल का पाउडर डालने का। और आप अपनी मनपसंद चीज़ें डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि तिल भी डालें, चीनी भी डालें, जिनको जो अच्छा लगता है वही इस पे डालते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। सो गई जी, ये थी आज की मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज। और कैसी लगी है मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये ढोकला रेसिपीज तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, मेरे स्टाइल में आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और शेयर भी करिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। When you say I'm the one you saw, is it love?